कैसे सिर्फ 2 मिनट की क्लिप से डोरेमोन पूरे इंडिया के अंदर बैन हो गया था। शिनचैन का कैसा एपिसोड जो इतना खराब था कि उसे एक ही बार टीवी पर दिखाया गया था। और इस शो के एपिसोड में इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि जो इन्हें पूरे इंडिया के अंदर बैन होना पड़ा। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड। नंबर 7 शिनचैन। शिनचैन के एक एपिसोड को तो पहले इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था। आप इसे देख के समझ सकते हो कि ये पूरा एपिसोड ही काफी ज्यादा अनएप्रोप्रिएट था स्टूडेंट और चिल्ड्रन के लिए। पूरे एपिसोड को ही इंडिया में बैन कर दिया गया था। इसको सिर्फ एक या 2 बार इंडिया के अंदर दिखाया गया था। और ये इकलौता ऐसा एपिसोड नहीं जो इंडिया के अंदर बैन है, बल्कि शिनचैन के कई सारे एपिसोड इंडिया के अंदर बैन है। और एक्चुअल में जो आपको शिनचैन के एपिसोड दिखते हैं उनके अंदर से भी कई सारे सीन कट कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए हद से ज्यादा इनएप्रोप्रिएट होते हैं। नंबर डोरेमोन द चेंज लाइट नाम का एक एपिसोड 2005 के अंदर बना था, जो की काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। इसके बाद इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा गलत सीन यानी कि नहाते हुए सीन दिखाए गए थे। इसलिए कार्टून बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था और ज्यादातर इसको बच्चे थे। इसलिए इस एपिसोड के निकलते ही जापान की गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था और इसी वजह से इस एपिसोड का कभी हिंदी या इंग्लिश डब आया ही नहीं। और इसी वजह से इस क्लिप को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एपिसोड कभी टीवी पर दिखाया ही नहीं गया। नंबर 5 हगेमारू। हगेमारू के इस एपिसोड को पहले इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन सेंसरशिप के साथ इस एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें थी जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए थी और ये स्पेशली बच्चों का ही कार्टून था। और इसी वजह से पहले इसके अंदर कई सारी चीजें सेंसर करके निकाली गई, लेकिन फिर इस एपिसोड को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ये एपिसोड टीवी पर 1 या 2 बार ही मुश्किल से दिखाया गया होगा और सेंसरशिप के साथ अब ये एपिसोड आपको सिर्फ यूट्यूब पर देखने को मिल सकता है। नंबर 4 परमैन। इसके एपिसोड को पूरे तरीके से बैन नहीं किया गया था, लेकिन इसके काफी सारे पार्ट्स को सेंसर कर दिया गया था क्योंकि इसमें परमैन उड़ते उड़ते कुछ ऐसा देख लेता है जो उसको नहीं देखना चाहिए था। हमने तो इसे ब्लर कर दिया है, लेकिन टीवी पर ये बिल्कुल क्लियर रूप में दिखाई दिया था और जापान में तो 2-3 बार दिखा भी दिया गया था। इसके बाद सेंसर द्वारा इसके कई सारे पार्ट्स को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ और कहा गया कि कभी बच्चों के एपिसोड में ये सब नहीं दिखाना चाहिए। नंबर 3 सिम्पसन। वैसे तो ये कार्टून अपनी बोल्ड कॉमेडी और हर एक चीज का मजाक उड़ाने के लिए जाना जाता है, लेकिन एक बार तो इसने हद कर दी। इसने चाइना को लेकर मजाक किया था और तो इन्होंने चाइना और तिब्बत के बीच चली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी मजाक किया था, क्योंकि इस एपिसोड को देख के ऐसा लग रहा था कि ये लोग तिब्बत को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको देख के चाइना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद चाइना ने इसको बैन कर दिया और साथ ही साथ कई सारी एशियाई कंट्री के अंदर ये भी बैन हो गया। वैसे चाइना बैन करने में माहिर है क्योंकि उसने जॉन सीना को तिब्बत को सपोर्ट करने के रूप में बैन कर दिया था। नंबर 2 शेवी डोल नाम के एक आर्टिस्ट ने शेरक और इसके डिस्ट्रीब्यूशन टीम पर एक केस कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर उनकी आवाज का मजाक उड़ाया गया था क्योंकि वो हाई टोन में गाते थे, लेकिन इनको ये पसंद नहीं आया और आखिरकार ये केस जीत भी गया और बाद में इस कार्टून को उसको उस आवाज को हटाना पड़ा। नंबर 1 स्टीवन यूनिवर्स। दरअसल इस कार्टून के अंदर सेम जेंडर के कपल को शादी करते हुए दिखाया गया था और वैसे तो उसके अंदर कई सारे ऐसे मोमेंट थे जो ऐसा लगता था कि एलजीबीटी को दबा के सपोर्ट करता है, लेकिन उस समय कई कंट्री में सेफ नहीं माना जाता था, जैसे कि केन्या। जिस एपिसोड के अंदर सेम जेंडर की कपल की शादी करवाई गई थी उस एपिसोड को केन्या के अंदर बैन कर दिया गया था और अपने इस ओपन माइंडेड नेचर की वजह से कार्टून ज्यादा नहीं चल पाया और इसके बाद कुछ ही सीजन बन पाए। भाई ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको पता है कि कैसे आइसक्रीम के एड में साबुन को दिखाते हैं और चिप्स के एड में जो आपको चिप्स दिखते हैं वो असल में सस्ता प्लास्टिक होता है और कैसे सुविधा की मदद से पॉपकॉर्न के एड को बनाया जाता है। भाई ये वीडियो तो फैक्ट का डबल डोज होने वाली है, भाई अभी जाके इस वीडियो को देखो। और हाँ, अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं अगली फैक्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।